गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुजीत दत्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने नए चैनल एसजी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं शिरडी के साईं बाबा। आज शिरडी जाने का प्लान है हमारा। प्लान तो ऐसे बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन हो यूँ रहा था कि किसी न किसी कारण से वो टलता रहा, लेकिन आज एकदम फाइनल हो गया है। तो आज हम तो जाएंगे ही, आपको भी अपने साथ लेके जाएंगे। सीढ़ी के रास्ते में जो भी चीज़ें आएंगी उन्हें मैं आपको दिखाऊंगा, आपको सुना भी रहा हूँ और आप सुन भी रहे होंगे, है ना। पंछियों की आवाज़ आ रही है दोस्तों। कल संडे था, हमने कल घर के जो अपने पर्सनल काम होते हैं उसे किया। हमारी साइकिल को हमने साफ़ किया, बहुत दिन से पड़ी थी ये, क्या है इसे मैंने नहीं साफ़ किया, मेरी वाइफ ने इसको चमका दिया है एकदम अच्छे से। ये जैवीर की साइकिल है, उसने खुद धोया है इसे, उसने बोला कि पापा मैं इसे खुद दूंगा। इसकी कल सर्विसिंग भी मैंने करवा दी है। A few moments later, मैं कर देता हूँ। ये काफ़ी ढलान वाली जगह है, चढ़ने को तो चढ़ गए थे हम लोग, लेकिन देखो उतरते समय कितनी जो है एक्सीलेटर नहीं संभाल के उतरना पड़ता है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सापुतारा। ये व्यू है जो है वो सापुतारा का है। लगभग 2 बजने को है और काफ़ी ठंड का समय है, लेकिन मैंने थोड़ा सा जैकेट उतार के रखा है क्योंकि मुझे ठंड का जो है ना मज़ा लेना है। थोड़ा ज़्यादा ठंड लगेगी तो हम पहन लेंगे वापस, लेकिन अभी जस्ट गाड़ी से निकले हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा ठंड का मज़ा लेना चाहिए, इसलिए जैकेट थोड़ा खोल के रखा हूँ। देखिए, तो अभी जो है मौसम, हाँ जी बोलिए सर, हम आपके ब्लॉग में आ सकते हैं भैया? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए। और ये मोटे कौन है, मोटे मोटे जो है? ये मोटे मोटे जो है ये हमारे पांडे जी है। और पांडे जी कैम छो तुम्हें सूरत थी? शांति शांति से भैया। अच्छा अच्छा, ये पांडे जी हैं, कहीं भी चल देते हैं। सापुतारा में फिलहाल फिलहाल अभी सापुतारा में हम लोग आ गए। हमारे लिए तो यही ले मनाली है, लद्दाख भी यही है, सब कुछ यही है। ये पतंग रेसिडेंसी करके जो होटल है वहाँ पे अभी हम लोग रुकेंगे, फिर वहाँ से जो है सुबह सुबह हम लोग प्रस्थान करेंगे शिरडी के लिए। अभी थोड़ा आराम करेंगे। और ये होटल लेक व्यू है जो कि सापुतारा का सबसे मुझे लगता है कि अच्छा। देखो सुजीत भाई, देखो ये देखिए 21 डिग्री एक्चुअल में फील हो रहा है, 21 डिग्री, लेकिन फील भी हो रहा है 21, लेकिन उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। और ये अभी फिलहाल ये अभी जो गिरेगा ये फिलहाल जाएगा आपका 18 डिग्री तक कम से कम। मतलब हमारे लिए तो लद्दाख यही है, लद्दाख यही है, क्योंकि हम लोग जो है, हाँ हम लोग 25 डिग्री में जीने वाले आदमी हैं और हालत ऐसी है कि मन कर रहा थोड़ी देर में जैकेट का चैन जो है ना मैं बंद कर लूँगा, क्योंकि अभी जब उतरा था तो लग रहा था कि थोड़ा ठंड का मज़ा लूँ, लेकिन भैया 5-10 मिनट बना लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाएगी, तो मज़ा सब निकल जाएगा, इसलिए अब जो है। और फिलहाल तो सापुतारा में इतना भीड़ भी नहीं है। और इधर दिखाइए पांडे पांडे जी का हवा हवा हो रहा है अभी। नहीं, हमको तो आनंद का अनुभव हो रहा है, वैसे भी मैं गुलाबी हवा लग रही है, अच्छा लग रहा है, रहे है। पर कोई बात तो बिल्कुल नहीं है, पर कोई बात नहीं है, लेकिन जो मौसम अच्छे लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं जहाँ होता हूँ पांडे जी वहाँ पे साथ में रहते हैं हमारे। और इतने बड़े पहलवान हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता, वैसे पानी जी हमारे 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 साथ हमेशा एक छत्र छाया की तरह रहते हैं। अब हम लोग चाय पियेंगे और जो है चाय पीना कहाँ पे, चाय ये भी बना देंगे ना भाई, बंद हो गया। अच्छा बंद, यहाँ पे अक्सर जो है ये हरी चाय, हरी ये चाय पत्ती ना भैया, चाय पत्ती लगभग इसका चाय बनता है, इसका ही चाय बनाते हैं यहाँ पे ताकि ताजा बना रहे हैं। नहीं नहीं, उधर जाना। और ये जो धनिया है बहुत फ्रेश है यार आपकी। अच्छा, इसको जो है पानी में डाल के रखा है ना आपने,
मैगी भी बनते है पांडे जी यहाँ पे। पांडे जी खाने के लिए उत्सुक है, ये सोच रहे कि क्या मिले। पांडे जी क्या खाओगे? नहीं नहीं कुछ चाय के अलावा कुछ खा लो भैया, फिर वाई प्रवाह पे वाह प्रवाह करते रहो। भाई क्या क्या बन सकता है जी? बटा का पोहा है, मैगी है, बटा का पोहा है, मैगी। दरवाजा में मैं कुछ नहीं ले रहा हूं। तुम कुछ नहीं लोगे ना? बटाका क्या बोला भैया? बटाका क्या बोले? बटाका पोहा। बटाका पोहा। एक काम करो, एक तीखा मैगी बना दो। क्या करोगे यार? पांडे जी मैं खाऊंगा यार। चाय खाली पियो ना। नहीं भाई जंगल में ही हूँ। नहीं भाई ऐसे नहीं बंद करेंगे। पप्पू भाई बोल रहे हैं कि बंद कर दो उसका। अभी हमारे साहब जी देखिए क्या खा रहे हैं। हेलो गाइस, ठंडी बहुत ज्यादा थी तो मुझे लगा कि मैगी खाना चाहिए। अभी फिलहाल अभी हमारे साहब जी खा रहे हैं। अभी देखिए पांडे जी हमारे खाने वाले नहीं थे। बहुत तीखा है। पांडे जी भाई कुछ भी दे दो, नहीं टेस्ट ले लेंगे। हाँ बस टेस्ट लेते थे, खत्म कर देंगे, तरह मेरा टेस्ट होता जाएगा। देखिए देखिए ये इंसान खाने वाला नहीं था, लेकिन जब आ जाए तब छोड़ने वाले भी नहीं है। और अभी एक छोड़ेंगे वहाँ। तो दोस्तों मैंने मैगी तो खा ली है, अब जो है पेट भर। भैया एक चाय बना दो यार। तो चाय का ऑर्डर दे रहे हैं, चाय बना दे, चाय पी ले तो फिर देखते हैं कि आगे बढ़ना है। पप्पू हमारे दोस्त तो भैया जल्दी बनाइए चाय। दोस्तों ये चाय लेके आ गए हैं छोटू महाराज। क्या नाम भी तुम्हारा? चंद्रकांत भाई देखो चाय लेके आ गए हैं स्पेशल। ये हरी पत्ती का चाय है? हाँ हरी पत्ती। ठीक है रख दो भैया यहाँ पे। अरे ये पांडे जी देखो मूर्ति बन के बैठे। मूर्ति बन के अच्छा है, पी लीजिए चाय। पांडे जी चाय कैसे है? चाय तो बहुत बरस पी लू पछी पिए मैं बता रहा। अच्छा अच्छा पी के बताइए। अंदाज ऐसा है पानी जी को से हर चीज अच्छी लगती है और अच्छी बात है। देखो पानी जी चूस के ले रहे हैं। चाय बढ़िया। चाय बढ़िया है पानी जी। पानी जी ने कहा कि चाय बढ़िया है तो बढ़िया ही होगा। मैं भी चाय पी के देखता हूँ कि बढ़िया है या नहीं। पानी पीना था यार। ले लो ना छोटा बॉटल है। हाँ पानी लाओ। पप्पू भाई पानी लेके आ रहे हो क्या? पानी ना बोतल भाई आपको कैन लेना। स्टीकर वाली आपको खोल दो यार पानी बोतल को। पानी जी मंदे मंदे मुस्कुरा रहे हैं। पता नहीं क्यों। थैंक यू भाई खोल दिया। खोलो यार खोलो भाई यार। एक्चुअली क्या ना खोल यार कैमरा पकड़ाओ यार। इन भाई साहब को बहुत ठंडी लगी। देखो पूरा पूरा कश्मीरी बन गया।